खरगोन जिले के भगवानपुरा चाइल्ड लाइन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए खेतों और बिल्डिंग में बाल मजदूरी करते हुए करीब 100 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर छुड़वाया है। इनमें करीब 70 बच्चियां और 30 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ठेकेदारों और खेत मालिकों द्वारा नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी। लॉकडाउन के बाद चाइल्ड लाइन 1098 पर शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास विभाग सहित पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। बाल श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब काउंसलिंग की जा रही है। बाल कल्याण समिति खंडवा द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा क्षेत्र के मोहना, बहादुरपुरा सहित 5 अन्य गांवों से 5 पिकअप वाहन से बच्चों को लाया गया है। चाइल्ड लाइन के सहयोग से प्रशासन की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ उम्र की जाँच की जा रही है। 100 में से करीब 70 नाबालिग की पुष्टि की जा रही है। प्रशासन की जांच लगातार जारी है। पुलिस भी बच्चों से पूछताछ कर रही है। बच्चों के परिजनों को बुलाया जा रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, जो नाबालिग बच्चे थे जिनको काम धंधे के लिए माँ बाप ने भेज दिया था, उनकी हमने स्क्रीनिंग की, जिसमें 3-4 लड़कियों में खून की कमी निकली है। बाकी ऐसे कोरोना के तो कोई सिम्टम मिले नहीं है। नहीं, अभी कोई लक्षण नहीं है। ये जो भगवानपुरा क्षेत्र में गए थे काम करने के लिए, तो इसकी हम लोगों ने स्क्रीनिंग की, कोरोना के तो कोई सिम्टम नहीं निकले। 3-4 लड़के में खून की कमी जरूर निकली, किसी को नहीं, सब बच्चे नॉर्मल। लोग का काम के लिए नहीं जा रहा है? हाँ, खेतों में काम के लिए नहीं जा रहे थे। सर, ये किस उम्र के बच्चे हैं? ये सब 13 से 17 साल तक। कितना बच्चा? 100 बच्चे। डॉक्टर गौरीशंकर तावड़े। इनको 1098 पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी सर, जिसमें मंथन सारा चाइल्ड लाइन सब सेंटर भगवानपुरा के द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई। इसमें महिला बाल विकास और लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी ने और कोलैब ने मिलकर रेस्क्यू प्रोग्राम किया। यहाँ पर लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से जो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ रहे हैं वो करीब 60-70 बच्चे निकलेंगे। अभी उनका प्रोसेस चल रहा है। इन पर बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ पर खंडवा से बाल कल्याण समिति को यहाँ निवेदन करके बुलाया गया है। बाल कल्याण समिति अभी 1-1.5-2 घंटे में आ जाएगी और उसके बाद इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के पश्चात जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे CWC के द्वारा, उस पर अमल किया जाएगा। अभी इनको खेतों में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था, मकानों पर मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल के 10 साल के, उनको काम के लिए ले जाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 जगहों से हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। मोहना बहादुरपुरा का एरिया है और दूसरा दामखेड़ा बिस्टान का एरिया है। यहाँ पे 4-5 पिकअप लेके आए हैं, वही पिकअप के जो लोग हैं वही ठेकेदार के रूप में बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चों से काम कराते हैं। और उसका कुछ ये कम से कम अगर देखा जाए तो सबसे कम 8 साल का बच्चा है। बच्चियाँ भी हैं अभी, कुछ वो गिनती चल रही है अभी, तो कुछ 50% के आसपास बच्चियाँ भी हैं। कुछ बच्चे गाड़ी छोड़कर? हाँ, इसके अलावा स्थान से कुछ 4-5 पिकअप से करीब 70-80 बच्चे छोटे जो थे 10-12 साल के, वो गाड़ियों से उतर के ड्राइवर और वो दोनों सभी भाग गए। तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, इनमें से बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं। तो कोशिश की जाएगी जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको सबको एडमिशन कराया जाए इस सत्र में, और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो भी होगी आज इनकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।